नमस्कार, मैं हूं जमीर अहमद। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास शो जनता दरबार। हम मौजूद हैं इस वक्त लखीमपुर खीरी जिले के नगर पंचायत निघासन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 अक्टूबर को गलियों में, सड़कों पर लोगों ने झाड़ू लगाकर घरों में आसपास आम जनमानस के द्वारा साफ सफाई की गई थी, लेकिन वो साफ सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान क्या महज फोटो तक सीमित है या कि जमीनी धरातल पर साफ सफाई और स्वच्छता अभियान उतरता? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कस्बावासी जसपाल सिंह पल्ला जी हैं। क्या सर कहेंगे इस बारे में? ऐसा है जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर एक आह्वान किया गया था कि स्वच्छता अभियान चलाकर 1 घंटे के लिए सभी देशवासी अपना श्रमदान देंगे, जिसमें हमारे निघासन में, क्योंकि निघासन हमारा नगर पंचायत बन गया है, तो इसमें चेयरमैन साहब द्वारा और सभासद और यहाँ के काफ़ी कर्मचारी और यहाँ के कार्यकर्ता, ये सभी लोग इसमें, इस अभियान में दिखावे के तौर पर शामिल हुए जी। आप देख सकते हैं कि हमारे निघासन में गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। सब नाम से और फोटो खिंचवाने के चक्कर में सिर्फ फोटो खिंचवाई गई है, नाम किया गया स्वच्छता अभियान का। लगातार आप देख सकते हैं कि हमारे निघासन में हर तरफ, चारों तरफ गंदगी गंदगी है, जिससे बहुत सारी भयानक बीमारियां फैली हुई हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में देख लें, जाके भीड़ है, इन्हीं गंदगी की वजह से बहुत सारे लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डेंगू का प्रकोप पिछले दिनों में बहुत ज्यादा, डेंगू का प्रकोप बढ़ा, सबसे ज्यादा केस मैं पलिया गया, लखीमपुर गए, हमारे यहाँ निघासन में तो सुविधा ही नहीं है, तो वहां पर सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज थे जो निघासन कस्बे से गए हुए थे। न्याय नगर पंचायत के नाम पर, खाली नाम की नगर पंचायत है, यहाँ साफ सफाई की कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं की जा रही है, खाली फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, दिखावा किया जा रहा है जी। क्या लगता है मोदी जी ने जो आह्वान किया था फोटो खिंचाने तक सीमित रहेगा? ये सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित है, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने तक। सबने आए, रोड पे खड़े हुए, झाड़ू लिए, फोटो खिंचवाई और निकल लिए, और असल में धरातल पर, जमीन पर, जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा, साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है जी। कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं करते? ऐसा है जी, सारे अधिकारी यहाँ घूमते हैं निरीक्षण के नाम पर, सब एक दूसरे से जोड़ गांठ करके सब खत्म कर दिया जाता है। जो जनता जिसको भुगत रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये सारा मतलब एक दिखावा है और कुछ नहीं है जी। हमारे साथ दूसरे कस्बावासी, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कहाँ रहते हैं आप, किस वार्ड में रहते हैं? इसी वार्ड में रहते हैं। क्या लगता है जो स्वच्छता अभियान की मुहिम मोदी जी के द्वारा चलाई गई, सफल हो रही है केवल फोटो तक सीमित? मेरे हिसाब से तो फेल हो रही है स्वच्छता अभियान, क्योंकि जो है हमारे इस मोहल्ले के पास इस सफाई के मामले में बड़ा ही भेदभाव चल रहा है। बाकी हम इधर उधर देखते हैं कि मतलब सफाई अभियान जो है होता रहता है, लेकिन हमारे विशेष तौर पर जो है मोहल्ले में जो है कोई विशेष कोई ध्यान नहीं देता। कौन सा वार्ड है, क्या नाम है वार्ड का? ये वार्ड का नाम इंद्रपुरी वार्ड। इंद्रपुरी कोई नहीं आता यहाँ पर साफ सफाई करने? सफाई कर्मचारी नहीं आते? कोई नहीं, घर आता है इक्का दुक्का, हमको जो है नजर आते हैं। हमारे साथ और दूसरे कस्बावासी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है जो मोदी जी के द्वारा आह्वान चलाया गया था साफ सफाई लोग को लेकर, क्या कुछ लगता है जमीनी धरातल पर वो साफ सफाई है कि नहीं है? तो ये साफ तौर पे कैमरे पे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमारे साथ दूसरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सुखपाल सिंह। क्या लगता है जो मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान का आह्वान किया गया था? ये तो सर यही देखने को है, यही तो है जो है सामने है आपके, स्वच्छता अभियान इसी को कहते हैं, ये तो सामने है। हाथ कंगन को आरती क्या, ये तो सब सामने ही है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं संबंधित? शिकायत तो किससे की जाए, और शिकायत उतनी ही देर चलती है जितनी देर हम बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है बाद में। ये देखिए ना, यही तो होता है, शिकायत उतनी ही देर का मैं बोलती है जितनी देर हम बोल रहे हैं, अगला सुन रहा है, ठीक है। तो क्या लगता है केवल कागजों में फोटो तक ही सीमित रह गया? तो ये तो सामने है। और हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी आपका क्या नाम है? राम देवी। किस वार्ड में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? ये रह जो स्वच्छता अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, आह्वान किया गया था लोग साफ सफाई करेंगे, आपके वार्ड में कैसी साफ सफाई है? यहाँ अपने आप सफाई करें तो क्यों करते, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? कौन सफाई करे, हम लोग सफाई करता है, गंदगी फैली है यहाँ सफाई। क्या लगता है जो अभियान स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, कोई यहाँ नहीं आता? बीमार भी लोग पड़ रहे होंगे यहाँ पे,
चल रहा है सबके, कोई नहीं आवा। तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से, क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? बनाना है सब करेगा, साफ सफाई करें, साफ सफाई करें, और नाली बनाओ, सड़क बनाओ। हमारे साथ दूसरे यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? किस वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 12। जो मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान कल चलाया गया था, क्या लगता है, मतलब साफ सफाई हो रही है या कि केवल दिखावा? हमारे यहाँ तो कुछ भी अपने आप सफाई करवाए थे भैया, अपने आप साफ करते हैं। नाला बहता, पानी बह रहा है, इसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ अगर बरसात हो जाती तो इतना पानी भर जाता है घाट में, कुछ नहीं हो रहा। साफ सफाई कोई करने नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता। रोड रोड साफ करते हैं, बस रोड डामर रोड साफ करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से, क्या कुछ अपनी बात रखेंगे? मांग क्या करेंगे, हम लोग तो यही चाहते हैं साफ सफाई हो, आराम से लोग रहे, बीमारी से बारी ना। आपका क्या नाम है सर? क्या लगता है यहाँ साफ सफाई होती है? कुछ साफ सफाई कुछ नहीं होती है यहाँ, सब गलियों में वैसे पड़े हैं, झाड़ू लगाए आते हैं और रोड के किनारे चले जाते हैं। कल भी जो फोटो जो खींचा था वो अच्छी बड़ी बढ़िया जगह देखा, वहाँ फोटो खींच लिया चले गए, तो उसमें क्या केवल हाथ में झाड़ू लगे फोटो ही खींच गया, और हाथ में झाड़ू ले लिया और उसने फोटो खींच लिया। अब जा रहे हैं वहाँ, जा रहे हैं वहाँ, ये गले में कोई मादर चौधाता नहीं है। मांग करेंगे सरकार से, क्या कुछ मांग करेंगे? इधर जो साहब आता है तो यहाँ कोई जाता नहीं, गली में देखता नहीं कुछ है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम तो कहेंगे डमरू लग जाए, बढ़िया नाली बन जाए, गंदगी हट जाए, और क्या मांग है साहब? और क्या मांग है? बिल्कुल सही साहब, और क्या मांग है? यहाँ तक सब झाड़ू लगा दें, यहाँ से अपने आप साफ करते हैं, वो गंदगी उधर से आते हैं, वो गंदगी उधर से आते हैं, वो कूड़ा वहाँ पड़े और बीमारियाँ ही यहाँ पैदा होती है, हैं? इसमें क्या हम क्या? आप लोग कभी यहाँ के यूओ से मिले या जिसे कहा कर अभी बन जाएगी, वो कल बन जाएगी, परों बन जाएगी, बनते बनते कई सालों हो जाएगी, कभी नहीं बनता। नाली ये खड़ंजा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, खाली ये खाली ऐसे ही पड़ा है, और पानी भर जाता था ना, हम लोग रास्ता जो उधर जाते हैं तो उधर निकलते हैं, इधर से रास्ता बंद है। क्या लगता है भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? यहाँ के लोग परेशान हैं, साफ सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, लोगों का कहना अपने आप सफाई करनी पड़ती है। ऐसा है जी, आपने यहाँ के लोगों से आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, हम लोग आवाज उठाते हैं, परंतु ये कह दिया जाता है कि ये सिर्फ दूसरी पार्टी की साजिश करके विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए, वो भी इस कारण क्योंकि इनके अंदर भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। जितने ये भ्रष्टाचारी हैं, ये मिलके एकजुट हो जाते हैं, उसके बाद में दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज दबाई जाती है, उनको तरह तरह से उनको तंग करने की भी कोशिश की जाती है। ये गरीब लोग बेचारे हैं, इनको तो एक बार हड़का देंगे तो वो चुप हो जाते हैं बेचारे। हम लोग आवाज भी उठाते हैं तो हम लोगों को भी बहुत तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम लोग फिर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। पर कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, लोग गंदगी के कारण बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, यहां आवाज को दबा दिया जाता है, लोगों की आवाज को दबाया जाता है, पर ज्यादा दिन तक शायद ना दबा पाए, लोग थोड़ी बहुत आवाज उठाने लग गए हैं, ये इनको करना पड़ेगा, हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, बीमारियों से लोग परेशान हैं, और लोगों की आवाज भी दबाई जाती है, कई लोग तो कैमरे से बोलने पर भी घबराते हैं जी, इसलिए भ्रष्टाचार का इस समय पूरा राज चल रहा है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो स्वच्छता अभियान साफ सफाई नहीं चाहिए, तो क्या आगे का प्लान? ऐसा है जी, मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग इस बार अगर ये कुछ दिन में अगर नहीं इन्होंने किया, हम लोग ईओ साहब से बात दोबारा भी करेंगे, एसडीएम साहब से भी कहेंगे, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी कहेंगे, और सभासदों से, चेयरमैन से, सबसे कह के देख लेंगे। अगर नहीं किया तो हम लोग हो सकता धरना प्रदर्शन भी करें, आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज को पूरी तरीके से ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कस्बावासी, हमने साफ तौर पर इनसे बात की, जैसा देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि लोग साफ सफाई करें, गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन पहले लोग झाड़ू लगाएं, आसपास साफ सफाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पंचायत निघासन में जो
देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मंसूबों को यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो पलीता लगा रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने आप झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हैं। यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क नाली खंजा, वो सब कुछ नहीं है। अब देखना होगा जो सरकार है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या उनकी सुनवाई होती है, यूं ही अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जीएमडी न्यूज के लिए जमीर अहमद, लखीमपुर की। नमस्कार दोस्तों, जीएमडी न्यूज चैनल के जनता दरबार में एक बार कानपुर देहात में आपका फिर से स्वागत है। कानपुर देहात में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपने देश कस्बे आदि पर साफ सफाई को लेकर के एक पखवाड़ा अभियान चलाया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर के उन्होंने कहा था एक दिन पूर्व गाँव गली मोहल्ले अपने आसपास पहले 1 घंटा श्रमदान करें, फिर उसके बाद पूरे काम करें, जिसके तहत सफाई करनी थी और अपने तरफ से जितनी भी गंदगी थी वो साफ करके एक तरफ फेंकनी थी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद कानपुर देहात के विकास खंड संदलपुर के गांव सहनीपुर में, जहां पर तस्वीरों में आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी अभी भी पनपी हुई है। सफाई के नाम पर ये गांव अछूता दिख रहा है। यहां लोगों ने बताया, हमने सफाई तो की थी लेकिन वो सफाई हमारी व्यर्थ चली गई और 1 घंटे का हमारा श्रमदान भी बेकार चला गया, क्योंकि गंदगी यहां वैसी की वैसी ही है। आइए हम लोगों से जानते हैं, यहां पे मेरे साथ कुछ लोग गांव के खड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि उन्होंने कल किस प्रकार से श्रमदान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपने गांव में सफाई की थी, लेकिन सफाई के हाल क्या रहे, आइए ग्रामीणों से जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? श्री नारायण। श्री नारायण जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व कल सफाई पखवाड़ा चलाया था। बिल्कुल चलाया था, जिले मुख्यालय से लेकर के गाँव तक में सफाई होनी थी। बिल्कुल होनी थी। लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया है, अपने चारों तरफ साफ सफाई भी किया। आपने भी अपने गांव में की थी, क्या हाल है? अरे कुछ भी नहीं, वो सब जैसा तैसा डरा है, वो कहीं भी कोई सफाई नहीं करते हैं। हम ही लोग अपने दरवाजों के सामने कर लेते हैं, वैसे ही को ऐसे ही फिर हो जाते, कहीं कोई ना नाली है, ना पानी का निकास है, ना कोई रास्ता बढ़िया है। तो आप लोगों ने कभी इस बात की शिकायत? अरे बहुत कईयों बार की, पांच छह प्रधान बन चुके, लेकिन इस गली का रामनाथ के दरवाजे से और कमलेश के दरवाजे तक कोई भी निर्माण नहीं किया गया। ये जो है हम ही लोगों ने अपनी ईंटें बिछाई, अपने अपने दरवाजे, आज तक इस पर कोई निर्माण नहीं हुआ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नालियां बजबजा रही हैं, गंदगी फैल रही है। ये गंदगी है ही आज तक नहीं, जमाने से ये दूर ही नहीं हो रहा, तभी तो ये बीमारी फैल रही है। तो आप लोगों ने कभी जिला मुख्यालय के उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत की? 10-76 तक कम से कम दसियों बार की थी शिकायत। दसियों बार शिकायत करी साहब, कोई सुनाई नहीं हो, तो वीडियो बना बना तक भेजी, आज तक कोई कुछ भी नहीं हुआ। आज गांधी जयंती है, पूरा देश महात्मा गांधी को याद करके उनको याद कर रहा है, सफाई भी बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आपके गांव को हाल देख के नहीं लग रहा है कि सफाई हो रही है। हाँ नहीं, कतई नहीं हो रही है। इसके लिए कौन दोषी है, क्या लग रहा है आपको? अब दोषी तो यह लग रहा है कि हम ही दोषी हैं खुद, कि जब अपने दरवाजे सफाई करा तो फिर जैसो तैसो हो जाए, सफाई कर्मी आज तक नहीं आए रहो। जैसे कि देखिए, अभी दादा ने बताया कि सफाई के नाम पे इनका गांव छूता है, इस पूरे काम के लिए अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं। इन्होंने भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 तारीख को सफाई अभियान तो किया, लेकिन इनकी सफाई और वो 1 घंटे की मेहनत पानी में चली गई, क्योंकि वही गंदगी फिर से दोबारा इनके घरों के आसपास भरी हुई है, मंडरा रही है। आप देख सकते हैं गांव के वर्तमान में बीडीसी, जो एक प्रधान के अंग या ब्लॉक प्रमुख के एक अंग कहे जाते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कल सफाई अभियान चलाया था, क्या चलाया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश दिवाकर है। कमलेश जी, गांधी आज जयंती है, हाँ, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले स्वच्छता पखवाड़ा चलाया, हाँ, कल की। तो आप लोगों ने सफाई की थी? की थी सफाई, जो स्कूल के पास की थी सफाई, जहाँ सफाई होने लायक थी तहाँ नहीं हुई सफाई। फिर क्या देख तो रहे सर, आप सामने देखो गंदगी गंदगी पड़ी है। अब ये सफाई करने से क्या सफाई हो जाएगी? जब तक इसको सरकार नहीं सफाई करवाएगी तब तक नहीं हो सकता। सरकार तो बहुत पैसा साफ सफाई तो पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ? पैसा यहाँ लगे तो यहाँ दिखाई दे।
भाई पैसा वो जाता कहाँ है, पैसा आता तो है लेकिन फिर जाता कहाँ सर, देख लो आपको तो देख लो इधर से उधर तक। मोदी जी तो गांव गांव में स्वच्छता, तो मोदी जी तो सब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है दुनिया के लिए, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से करने से क्या होगा। मोदी जी तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, सुनते हैं रोज रोज सुनते हैं, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, और जैन मंदिर का इतना बड़ा निर्माण है हमारे, ये जो है इलाहाबाद में कितने बड़े बड़े काम किए, मोदी जी का तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, हैं एक से एक बड़ी चीजें बनाई मोदी जी ने। तो क्या लग रहा है कि स्वच्छता का पैसा नीचे नहीं आ रहा है? नीचे नहीं आ रहा, या तो फिर उसके जो कार्यकर्ता वो करना नहीं चाह रहे हैं। कौन से है, हमने 76 पे कम से कम दसियों बार वीडियो बना के डाले, दसियों बार हमने कंप्लेंट की, आज नहीं कल आज नहीं कल, ऐसी होता है हमारे यहाँ, कई प्रधान आके चले गए, कोई कुछ कह गया कोई कुछ कह गया, काम आज तक नहीं हुआ। क्या रिस्पांस मिला है आपको 1076 से? कोई रिस्पांस नहीं, ये कहते हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट लिख दी है, आपकी कंप्लेंट लिख दी है, बस इतना ही कहते हैं। प्रमुख जी आए थे, प्रमुख जी तो कंप्लेंट पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? अब वो कह रहे हैं हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब आगे होगा, आगे आगे होते होते आज दसियों साल गुजर गई, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो शिकायतें बनाएंगे वो फर्जी करने के लिए बनाएंगे? तो फर्जी का तो जो हमारा काम नहीं हो रहा, तो हमें तो फर्जी लग रही है भाई, जब कोई कार हो तो हमें लगे, हमें विश्वास हो कि हमारा कार हुआ हमारे कहने से, और हम कह रहे हैं और चिल्ला रहे चीख रहे उससे कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो हम तो लग रहा है कि बेकार है, जैसे हम बीडीसी हैं तो कहा है, लोग कहते तुम बीडीसी बनने के बाद नहीं कुछ करवा पाया, हम बताओ किसको पकड़ के ले आया, किससे कहें कि करवाओ, बीडीओ साहब हैं वो भी नहीं सुनते हैं, और भी जो है सेक्रेटरी है, कल ही सेक्रेटरी आया था, कल उसने देख के चला गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम काम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। प्रमुख जी सब ग्राम विकास अधिकारी आए तो उन्होंने सफाई नहीं की? सफाई वो जब वो आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ करवाते ही नहीं है, आज से कहा जितने ग्राम विकास अधिकारी आए कोई नया थोड़ू आया, जाते हैं कुछ नहीं हो रहा है। ये तो पूरे गाँव की स्थिति बहुत खराब है, ये तो एक बहुत आम बात है भैया। तो क्या लग रहा है जो ये हमें तो ये लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा हमारे गांव में, हमारा गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, सैनीपुर गांव ये सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, इंटरलॉक नहीं है कहीं, वो जो है बढ़िया मजबूत जगह नहीं है, रात बिरात आ नहीं सकते कि हमारा कार हुआ हमारे कहने से, और हम कह रहे हैं और चिल्ला रहे चीख रहे उससे कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो हम तो लग रहा है कि बेकार है, जैसे हम बीडीसी हैं तो कहा है, लोग कहते तुम बीडीसी बनने के बाद नहीं कुछ करवा पाया, हम बताओ किसको पकड़ के ले आया, किससे कहें कि करवाओ, बीडीओ साहब हैं वो भी नहीं सुनते हैं, और भी जो है सेक्रेटरी है, कल ही सेक्रेटरी आया था, कल उसने देख के चला गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम काम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। प्रमुख जी सब तो ग्राम विकास अधिकारी आए तो उन्होंने सफाई नहीं की? सफाई वो जब वो आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ करवाते ही नहीं है, आज से कहा जितने ग्राम विकास अधिकारी आए कोई नया थोड़ू आया, जाते हैं कुछ नहीं हो रहा है, ये तो पूरे गाँव की स्थिति बहुत खराब है, ये तो एक बहुत आम बात है भैया। तो क्या लग रहा है जो ये हमें तो ये लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा हमारे गांव में, हमारा गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, सैनीपुर गांव ये सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, इंटरलॉक नहीं है कहीं, वो जो है बढ़िया मजबूत जगह नहीं है, रात बिरात आ नहीं सकते हो, देख लो आपके सामने है सब, ये जो भी है आजादी को 75 से 76 साल हो चुके हैं। हाँ, तो ऐसे में आपके गाँव का कितना विकास है? हमारे गाँव में कोई आजादी नहीं है, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं है, सब बिल्कुल बेरोजगार हैं, सब बेकार हैं, कोई आजादी नहीं। आजादी उसको कहते हैं बढ़िया रोड हो, बढ़िया सड़कें हो, बढ़िया रहन सहन हो, बढ़िया गांव हो, तो हमें कहबे में गर्व हो कि यार हमारे गांव जैसा किसी का गांव नहीं है, हम कह रहे हैं हमारे जैसा गांव किसी का खराब गांव नहीं है सर, ये हम कहना चाहते हो कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, हमारे जैसा गिरा हुआ गाँव या खराब गाँव कहीं नहीं है। तो क्या लग रहा है अधिकारियों की अभी तक इस पर नजर पड़ी कि नहीं पड़ी? अधिकारी आते हैं जाते हैं देख के चले जाते हैं, कहते अबकी दया नहीं अबकी दया करवाएंगे, अबकी दया नहीं अबकी दया करवाते 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 समय गुजर जाता। हमारे विधायक जी जो इस समय वो इंद्रपाल हैं, उन्होंने कम से कम दसवीं बार आए होंगे, देख गए, आश्वासन दे जाते हैं, चुनाव में आते हैं, हमें वोट दो वोट देते देते हैं, इसके बाद फिर कभी आते ही नहीं। किस पार्टी से विधायक हैं वो? भाजपा से हैं, भाजपा से विधायक हैं, अब तो मंत्री हो गए, एक बार नहीं 20 बार आए वो हमारे दरवाजे आए, यहाँ कई घंटों बैठे रहे, फिर भी मतलब गांव में साफ सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हुआ, कई बार शिकायतें की गई। देख सकते हैं आप इस गांव में एक बीडीसी जो कि वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख का एक सदस्य भी है, किस प्रकार से उनकी नाराजगी उनके जहन में है, अपनी बया कर रहे हैं, भले ही देश आजाद हुए 75 से 76 साल हो चुकी हैं, लेकिन उनके गांव में विकास साफ सफाई
तस्वीरों में साफ तौर से दिख रही हैं। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार शिकायत के कई सारे पोर्टल चला रही है, शिकायत के पोर्टलों पे इन्होंने कई बार वीडियो शिकायत सब कुछ की, लेकिन उनका धरातल पे निस्तारण न करके सिर्फ कागजी तौर पे निस्तारण कर दिया जाता है। कैसे समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन चल रहा है? इस मामले को लेकर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पे ग्रामीण खड़े हैं कि उन्होंने सफाई अभियान को लेकर के क्या मुहिम चलाई थी। आप जानते हैं उनसे, भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को देखते हुए सफाई पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था, तो कल आपने श्रमदान किया था? हाँ, किया था। तो क्या लग रहा है आपको, श्रमदान आपका कितना सार्थक रहा है? सार्थक क्या रहा, जो अपने द्वारे डाले वो साफ करते हैं और जो कर्मचारी जो नाली साफ करवाते हैं वो यहाँ पर आते ही नहीं है। और एक बार वो उस तरफ मिले भी थे, मैंने कि मेरे तरफ क्यों नहीं जाते हो, कि यार टाइम नहीं मिलता, छुट्टी होगी चले जाते घर पे। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत तो मेरे भाई, बड़े भाई ने की है, चाचा जी ने की है, छोटे भाई ने भी की है। तो क्या लगा शिकायत से कितना समाधान हुआ? शिकायत से कुछ समाधान नहीं होता, आते हैं लोग देख के चले जाते हैं, कई बार आए कि यहाँ से वहाँ तक ये खंजा बन जाएगा और यहाँ से ये खाकी तक चक्रोड बन जाएगा, वो कुछ सुनाई नहीं होती है। कितना समय हो चुका शिकायत करे? शिकायत करे कई बार की, 2 बार 3 बार, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, करते करते थक जाओ, क्या करेंगे। तो आप लोग कैसे इस गंदगी के बीच में रहते हैं? क्या तो रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? कभी आप लोगों ने ग्राम प्रधान, सचिव, बीडीओ, एसडीएम, प्रधान जी भी आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ बोलते आते भी नहीं, गांव में बहुत ही कम आते हैं, इस तरफ तो आई भी नहीं है जब से प्रधान बन गए हैं। नए प्रधान बने हुए अभी तक आए भी नहीं है, पुराने प्रधान पिछली बार आए थे कि हम बनवा देंगे, उन्होंने भी नहीं बनवाया। और ये तो जो अभी खुला था तो ये हम लोगों ने बिछा ली थी। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी जो स्वच्छता पखवाड़ा ये चला रहे हैं तो कितना कारगर है ये? तो मोदी जी के मतलब ऊपर से ऑर्डर दे देते हैं और जो नीचे कार्यकर्ता लोग हैं जो अपना काम करेंगे तो वो तो करते ही नहीं है, जब वो करे तो क्यों गंदगी पर रहे गाँव में? तो क्या अधिकारियों ने कभी तक यहाँ तक नजर मारी कि नहीं मारी? यहाँ पर अधिकारी आए, देख के चले गए, बोले आपके ठीक है, हो जाएगा, वो ही नहीं। कितना समय हो गया अधिकारियों के निरीक्षण करे हुए यहाँ पे? यहाँ पे अभी 6 महीने पहले आए थे, अभी जो बोर्ड के टाइम पे आए थे कि हम बनवा देंगे, वो बना ही नहीं, जीत गए, अपने घर पर बैठे हैं। मानते हैं कि यहाँ पे जो नेता लोग आते हैं सिर्फ आश्वासन दे देते हैं और चले जाते हैं? बस आश्वासन दे दिया कि बन जाएगा और बनते ही नहीं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बागो ग्रामीणों का सीधा तौर पे कहना है कि नेता सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही गाँव में आते हैं, भ्रमण करते हैं और चले जाते हैं, साथ ही जब उन्हें कोई अपनी समस्या बताइए तो आश्वासन दे देते हैं लेकिन वो आश्वासन सिर्फ उनके कानों तक रह जाता है, गांव के धरातल पर नहीं आता है। तस्वीरों में आप मेरे साथी के साथ साफ तौर से देख रहे हैं कि किस प्रकार से गांव आज भी पुरानी सदी में जी रहा है, जहां पर आज वो सड़कें हो सकी हैं कि शायद गंदगी के नाम का कहीं दिखे ना। तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है और इंटरलॉकिंग की जगह वही पुराना खड़ंजरा बिछा हुआ है जो पहले बिछाया जाता था, जो पहली शुरुआत में आया था कि गाँव को हमें खड़ंजरों से नष्ट करना है, वहीं अब गाँव में पक्की सड़कें तक आ रही हैं, आरसीसी तक आ रही हैं, लेकिन ये गाँव आज भी इन सब चीजों से बहुत पीछे। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या है राय प्रधानमंत्री के स्वच्छता पखवाड़े को लेकर के। प्रधानमंत्री के स्वच्छता पखवाड़े में जहां जनपद के जिलाधिकारी आलोक सिंह ने कार्यालय के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, वहीं सफाई के लिए सबसे ज्यादा मानी जाने वाली देश की माताएं बहनें जो अपने घर की गंदगी से लेकर मोहल्ले तक की गंदगियों को झाड़ू लगा करके साफ करती हैं। आइए आज जानते हैं इस गाँव की माताओं बहनों से कि उन्होंने इस श्रमदान में कितना भागीदारी दी और कितनी अहमियत अपनी निभाई है। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा मीना देवी। मीना जी, मीना कल आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, सबको ही जानते हैं महात्मा गांधी ने हमको आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया है।
बोला था राम और उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था एक दिन पहले सफाई आपने की थी और कसा आप तो सफाई करने पड़ती है अब क्या करें कोई आता नहीं है साफ सफाई करने वाला तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की वो करते कोई नहीं आता यहाँ पर चाहे कितनी का हो देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी आएगा तो दीपावली लो ये लगा के झाड़ू को यहाँ करकट लगा दे को वहाँ करकट लगा दे अपने हाथों से फेंको फिर तो ग्राम प्रधान से आपने कभी कहा वो आता नहीं है किसी की मरत मौत हो जाए फिर भी नहीं आता वो आप लोगों ने तहसीलों में अधिकारी बैठे हैं कई सारी शिकायत की कि नहीं की आपने खूब कही कोई कंप्लेन हमारी कोई सुनते ही नहीं वहाँ पर जैसे माताओं बहनों ने कहा वो स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाती है साफ सफाई भी करती हैं लेकिन कोई आता नहीं आइए एक और माताजी हमारे साथ में हैं उनसे जानेंगे कि उन्होंने कल श्रमदान किया स्वच्छता अभियान चलाया कि नहीं माताजी क्या नाम है आपका हमारा कटोरी देवी कटोरी देवी माताजी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था अच्छा। तो आपने साफ सफाई की थी कई थी कितना सार्थक रहा अरे कहाँ लोग करें बेटा हम बूढ़े बाड़े आदमी कितो करें अपने द्वारे के सामने कर लिए थे कितो कर ले तो क्या यहाँ पे मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं गंदगी चारों तरफ फैली है तो क्या कोई अधिकारी नहीं आता कोई नहीं आता है दो तीन साल से नहीं आ रहा है अधिकारी अपने हाथ से करते हैं लड़का कोई नहीं आता है बेटा आप लोगों ने कभी इस चीज की शिकायत की खूब करी शिकायत क्या आश्वासन मिलता है कुछ नहीं मिलो कुछ नहीं मिलो वो या काट के हमारा वो अधिकार नहीं है अपने अपने करो साफ क्यों सरकार तो उन्हें तनख्वाह दे रही है सब चीजें दे रही है इस चीज की खूब दे रही है सरकार अकेले नहीं मानते नहीं मानते महीना तो महीना साल डेढ़ साल हो गई नहीं आई है जैसे कि माताजी ने अभी साफ तौर से बताया कि गांव में सफाई कर्मी या अन्य कोई कर्मचारी नहीं आते हैं भले सरकार उन्हें तनख्वाह तो दे रही है लेकिन तनख्वाह वो लेकर के अपनी जगह बैठ जाते हैं उनकी तनख्वाह की नौकरी यहाँ की महिलाओं को चुकानी पड़ रही है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों की आस्था का केंद्र मंदिर है जहाँ पे हर माता बहन जाती है साफ पूजा अर्चना करती है लेकिन उस जगह पर ही गंदगी इतनी फैली हुई है कि क्या बता सकते हैं आइए जानते हैं क्या नाम है बहन जी आपका इंदु देवी इंदु जी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था सर हमारे यहाँ कोई सफाई क्यों नहीं करते न सफाई हम ही अपने अपने दरवाजे करते हैं यहाँ से वहाँ तक हम ही करते हैं अपने अपने दरवाजे सब कोई करता है ऐसा पड़ा रहता है जैसे कि हम मंदिर देख रहे हैं मंदिर के आसपास यहाँ पे बहुत गंदी गिरी है और लोग अड़ेज के मारे यहाँ डालते हैं गंदगी तो आप लोगों ने कभी इस चीज की शिकायत खूब कही है लेकिन नहीं कोई सुनाई नहीं है इसमें क्या कहते हैं क्या आश्वासन मिलता है या कहते हैं जो करना है सो कर ले हम नहीं करेंगे तो जैसे विधायक मंत्री DMSP सबसे शिकायत हो चुकी है कोई नहीं सुनाई है इसमें ना कोई सुनाई करता है हम लोग अपने अपने दरवाजे अपने अपने करते हैं स्वच्छता के लिए हम लोग अपना कर लेते हैं देखिए जैसे कि माताओं बहनों ने साफ तौर से बताया कि हम कई बार शिकायतें तो करते हैं लेकिन वो शिकायतें शायद अधिकारियों तक जाती नहीं आश्वासन के तौर पर सिर्फ उन्हें खोखले वादे मिलते हैं आश्वासन मिलते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता शायद इनकी दिनचर्या में ये चीज हो चुकी है कि इन्हें अपना पूरा जीवन इस गंदगी के बीच में ही निकालना है इस गंदगी के बीच से नहीं जाना है भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख वादे लाख प्रयास लाख कोशिशें कर लें लेकिन उनके नीचे के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं लेना चाहते जनता दरबार में आज हमने जनपद कानपुर देहात के संदलपुर विकास खंड के गांव सहनीपुर की हकीकत आपको दिखाई है इससे आप तस्वीरों से आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि ये गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता पखवाड़े की हकीकत बयां करता है कि कितना पखवाड़ा सफल रहा जहां जनपद के जिलाधिकारी आलोक सिंह झाड़ू लेकर के सफाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके नीचे के कर्मचारी सफाई करना नहीं जानते जैसे कि सोशल मीडिया पे कई सारे फोटोज हमने देखे कि स्वच्छता पखवाड़ा मात्र सिर्फ दिखावटी के लिए हाथ में झाड़ू लेकर के किया गया लेकिन धरातल पे सब कुछ शून्य रहा जीएमडी न्यूज के लिए कानपुर देहात से मनोज सिंह